दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की तरफ से हमारे भारत में भी आज ही डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया गया, इसके पायलट प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया है। और इसके बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज वाले मॉर्निंग बुलेटिन के वीडियो में भी बताई थी, राइट। लेकिन डिजिटल रुपया आखिर होगा क्या, जो हमारी फिजिकल करेंसीज होती हैं उसमें और डिजिटल रुपए में क्या अंतर होगा, मुख्य डिफरेंस क्या होगा, कितने तरह की होगी ये डिजिटल करेंसी, क्या ये डिजिटल रुपया क्रिप्टो करेंसी जैसा होगा, क्या डिजिटल करेंसी आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी, आखिर आरबीआई क्यों लॉन्च कर रहा है ये डिजिटल करेंसी, इससे सरकार को और आम लोगों को क्या फायदा होगा, ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो आम आदमी जरूर जानना चाहेगा। जैसे ही आप किसी शख्स को डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपए के बारे में बोलोगे तो आपको इन सभी सवालों के जवाब भी उसको बताना होगा, वरना डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपए को समझा ही नहीं जा सकता है। अभी अपन जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई वगैरह के जरिए पेमेंट करते हैं, राइट, जो आपके वॉलेट में अभी पैसे पड़े हैं, क्या वो डिजिटल करेंसी नहीं है? तो फिर यूपीआई पेमेंट करने में और डिजिटल करेंसी से पेमेंट करने में क्या डिफरेंस होगा? आइए मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर करता हूँ और ए टू जेड इन्फॉर्मेशन कांच की तरह क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिजिटल करेंसी से संबंधित सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपके मन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे मुद्दे की बात पर। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आज 1 नवंबर को देश की पहली डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है, ठीक है ना। और अभी इस डिजिटल करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीबीडीसी फॉर्मेट में जारी किया, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सीबीडीसी का मतलब सिंपल यही है कि हम डिजिटल करेंसी को एक्चुअली सही तरीके से अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये सीबीडीसी कहलाएगा, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है ना। और अभी शुरुआत में इस करेंसी के लिए आरबीआई ने 9 बैंकों के साथ टाइप अप करते हुए इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। वो 9 बैंक कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक जो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक को भी इसमें शामिल किया गया। ये 9 बैंक आरबीआई के इस डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं, ठीक है ना। ये तो बेसिक बात है जो आप समझ गए। सीबीडीसी का मतलब ही यहाँ पर डिजिटल करेंसी से है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में मैं जहाँ जहाँ भी सीबीडीसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा मतलब डिजिटल करेंसी ही है। ये डिजिटल करेंसी मुख्य रूप से दो तरह की होगी, एक तो सीबीडीसी होलसेल और दूसरी होगी सीबीडीसी रिटेल। होलसेल का मतलब जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे, इसका इस्तेमाल बड़े लेवल पर होगा, कॉमर्शियल लेवल पर, व्यापार, काम धंधे, बिजनेस के लेवल पर। जैसे इसका इस्तेमाल एक तो बड़े बैंक करेंगे, जो बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं, एनबीएफसी वगैरह वो करेंगे, और दूसरे बड़े सौदे करने वाले स्थान। बड़े लेवल पर ट्रेड होगा ना, तो वहाँ पर सीबीडीसी होलसेल का इस्तेमाल होगा। और दूसरी डिजिटल करेंसी बनाई गई है सीबीडीसी रिटेल। रिटेल का मतलब समझ गए, आम आदमी रोजमर्रा के लेन देन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे सिंपली आप अभी कहीं जाते हो, क्यूआर कोड स्कैन करके पेटीएम, गूगल पे, फीम ऐप, यूपीआई, फोन पे वगैरह के जरिए लेन देन करते हो ना, सिंपल उस तरह से आम आदमी रोजमर्रा के लेन देन के लिए सीबीडीसी रिटेल करेंसी का इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, ये काम कैसे करेगी डिजिटल करेंसी, तो इसके कुछ फंडामेंटल समझिए आप। सीबीडीसी एक ऐसी करेंसी जिसे हम छू कर या फिजिकल फॉर्मेट में देख नहीं सकते, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होगा। जैसा कि नाम से ही डिफाइन है, ये एक डिजिटल करेंसी है, मतलब ये ओनली ओनली डिजिटल मुद्रा होगी। हालांकि ये आम मुद्रा की तरह होगी, इसके वैल्यू जो है ना, जैसे मार्केट में आपके पास अगर 10 रुपए का नोट है और आपके पास 10 रुपए की डिजिटल करेंसी है, तो दोनों की वैल्यूएशन सेम होगी। लेकिन नोट कागज के रूप में फिजिकल फॉर्मेट में है और वो डिजिटल करेंसी आपके डिजिटल फॉर्मेट में होगी, आपके मोबाइल फोन में, राइट। और इस डिजिटल करेंसी के जरिए आप हर एक लेन देन कर पाएंगे, जैसे बिल जमा करना हो वगैरह वगैरह, कहीं पर भी आपको रुपयों की जरूरत है तो आप नोट ना देकर के उनको डिजिटल करेंसी दे सकेंगे और ये भी ऑनलाइन वॉलेट में ही रखी जा सकेगी। अब यहाँ पर समझिए आप एक कॉन्सेप्ट की, जैसे यूपीआई के जरिए अपन लेन देन करते हैं ना फोन पे वगैरह में, इसमें डायरेक्टली आपके बैंक खाते से लेन देन होता है, राइट। लेकिन डिजिटल करेंसी आपके वॉलेट में होगी, ऑनलाइन वॉलेट में, लेकिन इसके लिए किसी भी बैंक खाते की जरूरत नहीं होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी वैल्यू ई रुपए की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। ऐसे डिफरेंस नहीं होगा जैसे अभी अपने एक रुपए में डॉलर में डिफरेंस कितना आता है, ऐसे डिफरेंस नहीं होता है। एक डॉलर में रुपए की वैल्यू में डिफरेंस जो है ना, वैसे नहीं होगा। ई रुपीज और फिजिकल रुपीज दोनों के वैल्यूएशन सेम होगी। अच्छा, इसके कुछ बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि इसे रखने के लिए बैंक खाते की अनिवार्यता नहीं होगी और इससे कैशलेस पेमेंट कर सकेंगे। अभी मतलब किसी आदमी को अगर यूपीआई, पेटीएम, फोन पे यूज करना है तो उसका बैंक खाता होना जरूरी होता है, राइट। लेकिन डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल के लिए आपको किसी भी तरह के बैंक अकाउंट की भी जरूरत नहीं होगी। अनजान व्यक्ति को आपको जानकारी शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी प्राइवेसी, आपकी निजता बरकरार रहेगी। सबसे पहले नकदी पर निर्भरता घटेगी, जो नोटों का लेन देन है उस पर डिपेंडेंसी कम होगी। अच्छा, इसके कुछ और फायदे होंगे। फिजिकल रुपये को छापने की लागत घटेगी। अभी जो आरबीआई नोट छापता है तो इनमें जो लागत आती है वो भी कम होगी। नगद अर्थव्यवस्था घटाने का लक्ष्य पाने में भी मदद मिलेगी और लेन देन की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी। ये कुछ बड़े फायदे होंगे
डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी के, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए, आइए अब जानते हैं कि आखिर सरकार को इस करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी और आम लोगों के लिए ये कितना सुरक्षित होगी और कितना फायदेमंद होगी। सबसे पहला सवाल कि क्या ये डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी जैसी होगी, तो नो, बिल्कुल भी नहीं। सीबीडीसी कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये भारतीय रिजर्व बैंक का एक लीगल टेंडर होगा, क्योंकि जब क्रिप्टो करेंसी होती है ना वो एक प्राइवेट वर्चुअल करेंसी है। आपको पता होगा बिटकॉइन इथेरियम वगैरह ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है ना, इनका किसी भी देश की गवर्नमेंट के या किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के पास कोई लीगल राइट्स नहीं है, तो इनमें जोखिम ज्यादा होता है। लेकिन जो सीबीडीसी है ये एक डिजिटल करेंसी होगी, ना कि क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक का एक लीगल टेंडर होगा, एक जेन्युइन और आरबीआई के द्वारा ऑथराइज्ड करेंसी होगी, तो इससे लोगों को जोखिम यानी कि रिस्क नहीं होगा। अच्छा, अभी डिजिटल करेंसी दुनिया के कितने देशों में मौजूद है, तो 9 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर डिजिटल करेंसी मौजूद है। इनमें बहामास, 7 ईस्टर्न कैरेबियन और नाइजीरियन कंट्री शामिल हैं, और 87 देश दुनिया के सीबीडीसी के बारे में भी रिसर्च करके जानकारी जुटा रहे हैं। यहां तक कि चीन, दक्षिण कोरिया समेत 14 देश इसे लॉन्च करने की तैयारी में भी हैं। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या सीबीडीसी अन्य डिजिटल पेमेंट से ज्यादा अच्छी होगी, यानी कि जैसे आप यूपीआई पेमेंट करें और सीबीडीसी से लेनदेन करें तो मेन डिफरेंस क्या होगा। तो समझिए, आप डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी के जरिए लेनदेन करते हो ना, तो जैसे केस को हैंड ओवर करोगे इंटरबैंक सेटलमेंट की जरूरत नहीं रह जाती है। अभी आप यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हो ना, तो बैंक खाते में पैसे जाते हैं, फिर आपके बैंक खाते में क्रेडिट की एंट्री घूमती है, आपके अकाउंट में वो पैसे जुड़ते हैं, सामने वाले के अकाउंट से पैसे कटते हैं। अब जबकि इतना आप कैश में लेन देन करते हो तो इतनी फॉर्मेलिटीज थोड़ी ना होती क्या। तो सेम वही सिस्टम डिजिटल करेंसी में भी होगा, किसी भी तरह की इंटर बैंक सेटलमेंट की जरूरत नहीं होगी, यानी कि आपका बैंक खाता ही जरूरी नहीं होगा, और इससे पेमेंट सिस्टम से लेन देन ज्यादा रियल टाइम होगा और कम लागत में होगा। अभी कई सारे बीच में जो मॉडरेटर्स होते हैं जो आपको डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट की सर्विस देते हैं, जैसे फोन पे, पेटीएम का एग्जाम्पल ही मान लो, तो आजकल तो ये रिचार्ज के ऊपर भी प्रोसेसिंग फीस चार्जेस लेने लग गए। आप 600-700 का रिचार्ज करते हो, 1-2 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करता है, तो इस तरह के चार्जेस खत्म हो जाएंगे डिजिटल करेंसी आने के बाद। इसके अलावा ट्रेड भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा। भारतीय आयातक जो भारत में इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, वो बिना किसी बिचौलिए के अमेरिकी निर्यात को भी रियल टाइम में डिजिटल डॉलर का भुगतान कर सकेंगे, तो ये काफी बेनिफिट्स इसके होंगे। इससे एटलीस्ट हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या सीबीडीसी के आने से बैंकों पर असर क्या पड़ेगा। आपको बता दूं, सीबीडीसी के आने से बैंक में जमा के लिए लेनदेन की मांग कम होगी, साथ ही सेटलमेंट रिस्क भी कम हो जाएगा। तो रिस्क फ्री होने के चलते सीबीडीसी बैंक डिपॉजिट को कम करेगा और साथ ही जमा पर सरकारी गारंटी में भी कटौती करेगा। और अंतिम सवाल आता है कि क्या डिजिटल करेंसी आम लोगों के लिए फायदेमंद होगी, तो जी हां, बिल्कुल होगी। वो कैसे, क्या बेनिफिट्स होंगे, आम लोगों को क्या फायदे मिलेंगे, तो जरा समझिए। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों को बिजनेस के लिए लेनदेन की लागत कम हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल से समझिए आप, यूएई में, दुबई में मान लीजिए कोई एक वर्कर को सैलरी का 50% हिस्सा डिजिटल मनी के रूप में मिलता है, ठीक है ना, और आधी तनख्वाह उसको कैश में मिलती है, आधी डिजिटल सैलरी में मिलती है या आधी बैंक अकाउंट में मिलती है, कुछ भी समझिए आप, जो आधी डिजिटल सैलरी के रूप में मिलती है ना, मान लीजिए दुबई में वो काम करने वाला बंदा आपका दोस्त है, आप भारत में उससे पैसे मंगाना चाह रहे हो या आपका कोई रिश्तेदार है वो, तो अन्य लोग अन्य देशों में मौजूद अपने रिश्तेदार दोस्तों को आसानी से बिना ज्यादा शुल्क दिए पैसे भेज पाएंगे। ये भी एक बड़ा बेनिफिट होगा इसका। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि अभी इस तरह से दूसरे देशों में पैसे भेजने पर 7% से ज्यादा का शुल्क चुकाना पड़ता है, जबकि डिजिटल करेंसी आने से इसमें लागत मात्र 2% रह जाएगी, और इससे लो इनकम वाले देशों को हर साल 16 अरब डॉलर, तकरीबन 225,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे मिलेंगे, फायदा होगा। तो ये कुछ दोस्तों डिजिटल करेंसी के बेनिफिट्स हैं और इसके कई सारे सवाल और पर्सपेक्टिव से अलग अलग जवाब मैंने आपको बताए। उम्मीद है डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी ये महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सके। हर एक भारतीय नागरिक तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।